नमस्कार दोस्तों, अंबुजा सीमेंट के शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 1% के क्लियर आपको गिरावट देखने को मिला है। तो उसके साथ देखेंगे स्टॉक में एक रेड कैंडल बन रहा है और पिछले कई दिनों से स्टॉक यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करता नजर आ रहा है। तो काफ़ी लोगों के मन में सवाल आ रहा है क्या स्टॉक में यहाँ पर तेजी आने वाला है या फिर गिरावट आने वाला है। तो अगर ऊपर बढ़ेगा क्या टारगेट रहेगा, नीचे जाएगा तो क्या सपोर्ट लेवल रहेगा, सभी कंडीशन को इस वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों नोटिस करेंगे अंबुजा सीमेंट शेयर स्टॉक आपको क्लियर एक ऑप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है और बार बार अपने ट्रेल लाइन को सपोर्ट लेकर क्लियरली ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे स्टॉक आपको एग्जैक्टली एक डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करता नजर आ रहा है और जैसे अपने ट्रेल लाइन को ब्रेकआउट करेगा कि अच्छा तेजी आपको यहां पर नजर आएगा। मैं आपको लेके चलता हूं डेली टाइम फ्रेम पे। जब डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट को हम देख रहे हैं तो अब देखेंगे आपको रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है जो कि 588.9 का है। जब इसको ब्रेकआउट करेगा नेक्स्ट रहेगा 642 पर और 642 को ब्रेकआउट करेगा तो 661 और उसके बाद दिखाई देगा 695। सपोर्ट लेवल की बात करें सपोर्ट लेवल हमें नजर आ रहा है जो कि 547 का है। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हमारे सामने ट्रेल लाइन रहेगा। अगर ट्रेल लाइन को ब्रेकडाउन करे और भी बड़ी गिरावट दिखा सकता है। जो भी लेवल्स यहाँ पर हमने डिस्कस किया सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, इन पर आप ध्यान दे सकते हैं। बाकी स्टॉक में बाय सेल होल्ड की सलाह नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज में है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वीडियो को लेकर, अंबुजा सीमेंट के बारे में आपको क्या राय है। तो धन्यवाद दोस्तों।